इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण फैलने और 5 महीने के बाद भी कंट्रोल नहीं होने, संक्रमितों और मृतकों के आंकड़ों में गड़बड़ी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना को लेकर की गई खरीदी में भ्रष्टाचार, केंद्र के प्रतिबंध के बावजूद लॉकडाउन में गुटखा और पान मसाला सप्लाई की अनुमति सहित अन्य मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। गुरुवार को जस्टिस SC शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की युगल पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद शासन को 2 सप्ताह में स्पष्टीकरण पेश करने के आदेश दिए हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन के संयोजक अजय दुबे ने एडवोकेट अंशुमान श्रीवास्तव के माध्यम से यह याचिका दायर की है। नई दिल्ली के सीनियर एडवोकेट अरविंद नायर ने याचिका पर पैरवी की और बताया कि कलेक्टर मनीष सिंह सहित जिला प्रशासन के मनमाने और गलत फैसलों के कारण इंदौर में कोरोना फैला और पूरे देश में हॉटस्पॉट शहरों की सूची में शामिल हो गया। केंद्र सरकार की सख्ती गाइडलाइंस के बावजूद भी लॉकडाउन में गुटखा और पान मसाला सप्लाई की परमिशन जिला कलेक्टर और उनके मातहत ने जारी की। शुरू से टेस्टिंग की गति धीमी रही और उसे लेकर कोई प्रयास नहीं किए गए। संक्रमितों और मृतकों के आंकड़ों में हेराफेरी करके जनता को गुमराह किया गया। शुरुआती दौर में कोरोना से जुड़ी मौतों को सामान्य बताया गया और बाद में सामान्य मौतों को भी कोरोना संक्रमितों की सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई खरीदी में गड़बड़ी कर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जो भोपाल के RTA एक्टिविस्ट अजय दुबे जी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हमारी ओर से याचिकाकर्ता का पक्ष रखने के लिए दिल्ली के सीनियर एडवोकेट श्री अरविंद नायर जी, सुमेर सोडी जी, अमन जी और उपासना चंद्रशेखरन जी मौजूद थे। मुख्य मुद्दा याचिका में उठाया गया है वह यह है कि इंदौर, जो पूरे देश में क्लीनेस्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, वहाँ किस प्रकार, किस तेजी से कोरोना संक्रमण फैला और इंदौर में जिस प्रकार कोरोना संक्रमण फैला और पूरे देश में इंदौर एक हॉटस्पॉट के रूप में उभरा, उसके पीछे क्या रीज़न रहे, राज्य शासन की, स्थानीय प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की क्या त्रुटियां रही, क्या लापरवाही रही, इसको मुख्य रूप से याचिका में शामिल किया गया है। जो हमने याचिका में मुख्य जो मुद्दे उठाए हैं उसमें से प्रमुख रूप से इंदौर के अंदर सैंपल कलेक्शन की धीमी गति, जो स्थानीय प्रशासन की एक बहुत महत्वपूर्ण त्रुटि रही जिसके कारण इंदौर में तेजी से संक्रमण फैला। दूसरा, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से संक्रमित लोगों को आइसोलेशन में और क्वारंटाइन सेंटर में चिकित्सकीय सुविधाएँ, एडिक्वेट फैसिलिटी उनको उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसको हमने शामिल किया है। इसके अलावा, जैसा आपको पता है कि WHO और भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय से निर्देश देते रहे। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित थे। कलेक्टर मनीष सिंह और केंद्र सरकार की GST इंटेलिजेंस यूनिट को भी याचिका में पक्षकार बनाते हुए जाँच की मांग की है। मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय इंदौर बेंच ने आज हम लोग की जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। मुद्दा ये था कि इंदौर हॉटस्पॉट रहा है कोरोना का और वहाँ पे सर्वाधिक प्रकरण पाए गए थे पॉजिटिव केसेस के। तो हमारी जनहित याचिका में कोरोना के प्रबंधन की असफलताओं की जाँच, इसके अतिरिक्त GST इंटेलिजेंस यूनिट की जो भी रेड हुई थी और जिला प्रशासन इंदौर की ऊपर उंगली उठी थी कि कलेक्टर मनीष सिंह ने कई परिवहन के लिए पास जारी किए थे कोविड लॉकडाउन में, तो उसकी भी जांच की मांग करी है। और इस पे कई गंभीर अन्य प्रश्न हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में कहाँ पे कमी रही, खरीदी की गड़बड़ियों में क्या जिला प्रशासन ने पारदर्शिता अपनाई, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कार्यशैली अपनाई, ये सब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हमने उच्च स्तरीय जांच के लिए रखे हैं और हम विश्वास करते हैं कि न्याय की जीत होगी और जनता को उसके संवैधानिक अधिकारों के तहत जो भी सुविधा बेहतर मिलनी चाहिए वो उपलब्ध होगी।